सबसे बड़े जो है एहतियाती तदबीर होने चाहिए। जिस तरह ये वारिस भाई अभी कह रहे थे, वारिस भाई क्या कह रहे हैं आप? कि ये पाँव में बॉटल्स जो आप लोग पीछे रख देते हो ये आगे आ जाती है जी। तो ये बड़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस करनी चाहिए हमें कि ये हमारे ब्रेक पैडल में ना आ जाए, क्योंकि इसकी वजह से ब्रेक फेलियर हो जाता है जी। तो हमें चाहिए कि ये बॉटल वगैरह मतलब अपने से दूर रखें और कॉन्स्टेंट होकर गाड़ी चलाएं। तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान मोटरवे के ऊपर। तो हमारे व्यूवर्स देख सकते हैं, हमें कहा था कि भाई यहाँ पर जो है मौसम बड़ा प्यारा है, लेकिन यहाँ तो कराची से ज़्यादा गर्मी है। अच्छा लगा। 40 टेम्परेचर है, यानी फील हो रहा है आपको 40, 38 में से है और 14 को फील हो रहा है। मैंने ऐसा कब कहा था? और यहाँ पे इन्होंने जो है गेस्ट हाउस बनाए हुए, वॉशरूम वगैरह भी है, इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें भी दी हुई हैं। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि हर जो है 5 किलोमीटर के बाद गेस्ट हाउस उन्होंने बनाया, ताकि बंदा यहाँ पर आके रेस्ट कर सके। कुछ पूछा? हाँ भाई, हो गए फ्रेश आप लोग? निकले थे हम 9 बजे निकले थे माशाल्लाह, नाश्ता करके चक्कर से। ठीक है, और अभी माशाल्लाह रहीम यार खान क्रॉस किए। ठीक है, मुल्तान इंशाल्लाह हम अगले 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। 1 घंटे के बाद हम मुल्तान में होंगे, उसके बाद फिर सीधा लाहौर। और गर्मी क्या की रही है यहाँ पर? गर्मी बहुत है भाई जान, यानी कि 38 सेंटीग्रेड है। बिल्कुल 39 हो गया। आप यहाँ से इसलिए बात कर रहे थे कि यहाँ पर आपने, आपको किसी ने कहा कि यार बारिश वगैरह हो रही है यहाँ? तो बिल्कुल देखिए जरा, कुछ भी नहीं है, 39 गर्मी है, मतलब जितना आगे जाते जा रहे हैं 1% बढ़ती जा रही है। मेरा कलेजा ठंडा हो गया। इतना प्यारा मोटरवे बनाया कि 160 के बाद भी नहीं लगता गाड़ी कितने आराम से जो जा रही है। A few moments later, मुल्तान मोटरवे के ऊपर अगर आपने गाड़ी 120 के ऊपर चलाई और हाथ देने के बाद भी अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी, तो हमारे 4000 का चालान हो चुका है, जो कि काशी भाई को उन्होंने हाथ देने के बाद काशी भाई ने कहा कि मैंने तो देखा ही नहीं आपको। इरफान ट्यूबवेल का बोल के ये किसी बंजर जमीन में ले आया। काफी गहरा कुआं है खाने वाल के अंदर आपका, कितने फुटों का अंदाजन? जा पूछ क्या। ये नीचे से पानी आता है इसमें? नहीं। कम अज कम नहीं, तो ये 5 माले की बिल्डिंग जितना, यानी कि ये इतना गहरा होगा। कराची में जो बिल्डिंगें बनती है ना, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? साकरान की तरह बिल्कुल है, जिस तरह बोलो जिस तरह मैं साकरान में। कुछ भी, ये बालों की दुकान और गंजे साहिबान। ट्यूबवेल में जा रहे हैं नहाने के लिए। चाचा ये सबेरे क्या मेरे को यही देखने का क्या? ये मुल्तान से तरफ होता हुआ एक छोटा सा गाँव है, लेकिन यहाँ का मौसम जो है ना इंतहाई गर्म मौसम है। आप देख रहे हैं यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो नहा रहे हैं और खुश होते हैं, गर्मी का जो है तोड़ ट्यूबवेल। और ये प्रेशर से पानी निकलता है यहाँ से होता हुआ, ये खेतों के अंदर ये पानी जा रहा है। और यहाँ पे हरियाली वगैरह आप देख सकते हैं। और ये पानी कहाँ से आता है ये भी हम अपने व्यूअर्स को बताते हुए जाएं कि ये यहाँ पर पंप है, इस पंप के थ्रू पानी खींचा जाता है। ठीक है, समरिया यहाँ के गांव वाले के पास ये पंप चलाया इन्होंने, और ये काफ़ी गहरा कुएं की तरह है। यहाँ नीचे पंप है, आप देख सकते हैं पानी आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ से प्रेशर से पानी होता हुआ। इस पानी में जबरदस्त ताकत है, ये रैपिड्स खतरनाक होते हैं, इनसे हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है, इनमें राफ्ट लेकर निकलना भी जानलेवा है। अभी हम खाने वाले को यहाँ से अलविदा कहते हुए अब हम जाएंगे लाहौर की तरफ। अब लाहौर का जो है हमारा ट्रिप है, तो लाहौर की तरफ अब हम दवा।